स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन जीरो साउथ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये 3 मार्क्स में आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है स्क्वायरिंग के लिए क्लास 10th में। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा है पॉलीनोमियल, ये आपका किस में वेरिएबल टी में है, जो कि आपको दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। तो जब भी आपको इस तरीके का पॉलीनोमियल दे रखा हो, तो इसके जो फैक्टर्स निकलते हैं उसमें जो आपका आइडेंटिटी यूज़ होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 के फॉर्म पे, जिसकी जिसमें क्लियर है कि 15 जो है किसी भी मेरे जो नोन नंबर है उसका स्क्वायर नहीं है। तो जब भी इस तरीके से आपके पास आए तो आप इसको जो है इसको जो 15 है उसको रूट में रख लीजिए, तो आपका ये जो पॉलीनोमियल हो जाएगा वो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस तरीके से हो जाएगा पॉलीनोमियल टी। और इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ टी का ब्रैकेट के बाद स्क्वायर माइनस 15 को मैं रूट में रख देता हूँ, रूट 15 का स्क्वायर, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको 15 दे देगा। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं इसके जीरो निकाल लेते हैं, वो जीरो यहाँ से निकल जाएंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीरोस और पॉलीनोमियल टी, क्योंकि पॉलीनोमियल किस में दे रखा, वेरिएबल टी में, आर गिवन बाय पॉलीनोमियल टी इज इक्वल टू जीरो। अगर पॉलीनोमियल टी जीरो हो जाए, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगी तो ये साइड भी, राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं इसके फैक्टर्स जो है वो भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो वो इसमें कैसे निकलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी, तो ये निकल जाएंगे टी माइनस रूट 15 एक बार माइनस के साथ, और इसी तरीके से लिखा जा सकता है टी प्लस रूट 15 एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ इसको रखा जा सकता है, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15। अब देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो ये वाली साइड जो मेरे पास है ये भी साइड भी जीरो हो जाएगी, तो मैं इसे लिखता हूँ टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। इससे आपको क्या मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू रूट 15, ये तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, और रूट प्लस का रूट 15 जब आर एच एस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15। और क्योंकि एक क्वाड्रेटिक था तो इसमें दो जीरो देने थे आपको, तो ये दो जीरो है, एक जीरो इसका रूट 15 और एक जीरो इसका जो है माइनस रूट 15 है। और अगर आप इसे देखें तो ये मेरे पास क्या है, अल्फा है, क्योंकि जीरो से क्या होता है अल्फा और बीटा में, आप जानते हैं अल्फा और बीटा, या और क्लेरिटी से मैं इसे लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। अब देखिए, पहला जो पार्ट था वो तो हो गया, जीरो से हमने निकाल लिया इसके। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं इसको जो है जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है इसको। और जो जनरल फॉर्म होती है हमारी, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑन कंपैरिजन, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, ऑन कंपैरिजन, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 है। बी को देखो, बी का मतलब अगर देखिए, ये तो टी वेरिएबल टी में चल रहा है, तो टी जहाँ पर एक्स है उसकी जगह टी दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर दिख रहा है। अब एक्स वाली जो टर्म है तो यहाँ जो एक्स दिख रही है, यहाँ पर जो टी दिखनी चाहिए, तो टी वाली टर्म नहीं है, तो जो बी का कोफिशियंट है वो अपना आप ही क्या हो गया, जीरो हो गया। और सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो सी मेरे पास क्या हो गया, सी मेरे पास आ गया माइनस का 15, सी आपके पास माइनस का 15 है। अब देखिए, जब आप इसे कंपेरिजन करते हैं तो ये आपके पास मिलता है ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू 0, सी इजिकल टू माइनस 15। और देखिए, नाउ अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है आपका, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए, आप इसको जो है एल एच एस साइड में लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो मेरे पास यहाँ से मिले हुए हैं उनको ऐड करता हूँ, तो ये है रूट 15 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का रूट 15, जो कि आपको क्या दे देता है, रूट 15 माइनस रूट 15 जीरो।
अब RHS वाली साइड को देखता हूँ जो कंपैरिजन से मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी वाली जो साइड जो माइनस बी मतलब जो मेरे पास है वो क्या है जीरो है अपॉन ए क्या वन है, तो ये भी आपको जीरो देता है। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। और इसी तरीके से आप अल्फा बीटा, अल्फा जो बीटा होता है अल्फा और बीटा वो आपको देता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है यहाँ पर है, अल्फा मेरे पास है रूट 15 प्लस का, बीटा क्या है मल्टीप्लाई में माइनस का रूट 15 जो कि क्या देगा आपको, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको माइनस का 15। ये मेरे पास क्या है इसका LHS साइड मैंने सॉल्व करी थी अल्फा और बीटा की वैल्यूज के साथ, अब मैं RHS साइड को सॉल्व करता हूँ तो कंपैरिजन से मेरे पास सी जो मिला था, सी अगर आप देखें तो वो क्या था माइनस का 15 था, ए क्या था वो 1 था, जब इससे आप डिवाइड करते हैं मन से तो आपको मिलता है माइनस 15। LHS भी माइनस 15, RHS भी माइनस 15। स्टूडेंट ये गिवन क्वेश्चन में फाइंड करने जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई कर रहा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास जो गिवन पॉलीनोमियल है वो है 4u² + 8u। तो जब इस तरीके के आपके पास पॉलीनोमियल आते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि 4u और 8u में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो जब किसी भी मतलब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से करते हैं वही आप देखेंगे। क्योंकि ये पॉलीनोमियल यू में है तो मैं इसे लिख सकता हूँ पॉलीनोमियल यू इज इक्वल टू 4u² + 8u। अब यहाँ पर देखिए जो जीरोस निकाले, सबसे पहले मुझे जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यहाँ पर क्या है पी यू है, आर गिवन बाय, गिवन बाय पी यू इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इससे जीरो कर दो, अब देखिए पॉलीनोमियल यू आपको दे रखा है, ये आपके पास 4u² + 8u दे रखा है, जीरो से निकालने के से जीरो करना है, लेकिन पहले इसके मैं जो है फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो देखिए 4u² + 8u के जो फैक्टर होगा उसमें से अगर आप इसे देखते हैं तो पी यू इज इक्वल टू 4u कॉमन ले दूँ तो मेरे पास मिलता है यहाँ से u प्लस 2, 4u पी यू कॉमन लेने से मेरे पास मिला 4u u + 2। अब देखिए पी यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा तो राइट हैंड साइड भी जीरो होगा, तो आपके पास 4u u + 2 इज इक्वल टू जीरो, इससे मुझे जीरोस मिलेंगे। तो पहले जो 4u इसको इज इक्वल टू जीरो रखता हूँ, तो 4u इज इक्वल टू जीरो, जिससे आपको क्या मिल जाएगा u इज इक्वल टू जीरो, ये जो u है वो क्या आ गया आपके पास जीरो। सेकंड आपके पास है u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, जिससे आपको u की वैल्यू मिल गई माइनस 2। एक आपके पास u की वैल्यू जो है जीरो है और दूसरे आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। अब देखिए ये जो आपके पास जीरोस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, तो पहला जो यहाँ से वैल्यू मिली है u की उसे हम मान लेते हैं अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा, तो हम कहते हैं इसमें कि अल्फा इज इक्वल टू कितना है जीरो है यहाँ पे फॉर दिस पॉलीनोमियल, अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ऑन कंपैरिजन हम इसे कंपैरिजन करते हैं जनरल फॉर्म से, ऑन कंपैरिजन तो आपकी जनरल फॉर्म होती है ऑन कंपैरिजन ax² + bx + c से, जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं किसका कंपैरिजन कर रहे हैं आप कंपैरिजन कर रहे हैं ax² + bx c से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जब आप कंपैरिजन करते हैं ax² + bx + c जो जनरल फॉर्म है उसका कंपैरिजन करते हैं 4u² यहाँ पे लिख रहा हूँ 4u² + 8u से, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे x, क्योंकि ये पॉलीनोमियल u पे है या वेरिएबल u है या वेरिएबल x है, तो यहाँ पे a जो है ये a जो इसका कोफिशेंट x² का कोफिशेंट क्या a और u² का कोफिशेंट क्या 4, तो यहाँ से a आपको मिल जाता है 4। b वाली टर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पर x है क्योंकि पॉलीनोमियल x में है, यहाँ पर क्या है u, तो b की वैल्यू मिल जाती है आपको 8
और सी देखिए आप कांस्टेंट, तो सी यहाँ पर क्या है जीरो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी जीरो। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया कि जब आप अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो आपको क्या देता है कंपैरिजन करने पे, वो देता है आपको माइनस बी अपॉन ए। एल एच एस साइड को अगर हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा में, तो एल एच एस में आपके पास अल्फा क्या है, अल्फा आपके पास है यहाँ से जीरो, तो जीरो प्लस बीटा इज़ माइनस टू। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो माइनस टू आपको क्या देगा, जीरो माइनस टू आपको देगा माइनस टू। ये मेरा एल एच एस साइड है। आर एच एस साइड को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो आर एच एस क्या है, जब मैं कंपेरिजन से जो है कोफिशेंट को उठाता हूँ तो माइनस बी को अगर यहाँ देखो तो माइनस बी का मतलब हो जाता है माइनस का साइन और बी, बी की वैल्यू क्या है एट, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है तो माइनस का साइन और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है एट अपॉन ए की वैल्यू क्या है फोर, जो कि आपको देता है माइनस टू। आपके पास एल एच एस से भी माइनस टू है, आर एच एस से भी माइनस टू आया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया यहाँ से। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो अल्फा बीटा जो होता है आपका, अल्फा एंड बीटा ये आपको देता है सी अपॉन ए। मैं एल एच एस साइड को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर एल एच एस साइड में देखें तो अल्फा क्या है, यहाँ पर मेरा अल्फा है जीरो मल्टीप्लाई बीटा माइनस टू, गिवन क्या देगा आपको जीरो देगा। उसी तरीके से आर एच एस साइड को देता हूँ मैं इसके, जो कि क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का मतलब जाता है कि सी वाला कोफिशेंट, तो सी कांस्टेंट मेरा जीरो था, ए को कर देखो तो फोर ये भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास एल एच एस जो है इज इक्वल टू आर एच एस, ये भी एल एच एस आर एच एस का हो गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है।